हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तक नाइन्थ चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक अपलोड कर चुके हैं। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। भैया दो पोल्स हैं, एक पोल हमने ये मान लिया, एक पोल हमने ये मान लिया। सबसे पहली बात, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, भाई एक रोड है, इस रोड में क्या है, एक इधर खड़ा हुआ है तो एक इधर खड़ा हुआ है। विच इज़ 80 मीटर वाइड, और ये जो रोड है ये विड्थ कितनी दे रखी है इसकी, 80 मीटर दे रखे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। भैया रोड पे एक पॉइंट है, आपकी इच्छा है कहीं भी ले लीजिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ बना लिया। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है। तो मैंने कहा कि भाई एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक को मैंने 60 डिग्री मान लिया तो एक को मैंने 30 मान लिया। तो मैंने कहा ये 30 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60। अब मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मुझे इन दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस, इस पोल से भी इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, इस पोल से भी इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कंसिडर किया कि मैंने कहा कि सपोज कर लिया कि हाइट कितनी है, हाइट है एक्स मीटर, इसकी भी मान ली, इसकी भी मान ली। अच्छा, ये डिस्टेंस मैंने मान ली वाई, कितनी कंसीडर कर ली वाई। तो जब ये पूरा 80 है, ये वाई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, 80 माइनस के वाई, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 80 माइनस वाई प्लस वाई, तभी तो हमारा 80 आएगा। इस तरीके से ये हो गया मेरा 80 माइनस वाई, ये हो गया। अब मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई, ये सब मैंने नाम दे दिया। अब एक बार तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं कहूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ टेन थर्टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। ना मुझे इस समय एक्स पता, ना मुझे वाई पता, लेकिन मुझे टेन थर्टी पता है कि टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि कैसे याद किया जाए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो y की वैल्यू आ गई मेरी √3x, y का 1 में, √3 का x में। अब की बार मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल डी ई सी ले लिया, तो मैं कहूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ई सी, तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो मैंने यहाँ 1060, इसमें देखिए ये एंगल है, तो 1060। अब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर भी था, बेस के बारे में भी हमें जानकारी थी, तो ये हो जाएगा मेरा x अपॉन 80 माइनस के y। 1060 की वैल्यू मुझे पता होती है √3, तो x अपॉन 80 माइनस y। यहाँ से 80 का चाहें तो हम y की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस के √3x। अब नीचे 1 मान के मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 का मल्टीप्लाई √3 में, तो 80 √3, √3x का √3 में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 3x, ये हो गया हमारा x का 1 में मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या कीजिए, x को एक तरफ ले लीजिए तो -3x उधर चला गया, तो ये हो गया 80√3 इज इक्वल्स टू x प्लस 3x, या कहें 80√3 इज इक्वल्स टू 4x, या कह सकते हैं 4x इज इक्वल्स टू 80√3, या x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 4√3, या कहें 20√3। कहने का सेंस है कि ये जो हाइट थी, हाइट ऑफ द पोल आ गई 20√3 मीटर। अब हाइट के अलावा मुझे इन दोनों पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी निकालनी थी, तो एक क्या है, एक डिस्टेंस तो है वाई, वाई बराबर बी सी, और बी सी की वैल्यू क्या है, या कहूँ वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है √3x। अब √3 के बाद में x की वैल्यू रख दीजिए 20√3, तो 20 √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो इसका आंसर आ गया हमारा 60 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब
अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई, ये हुई डिस्टेंस BC। अब मुझे EC भी तो निकालनी है। EC क्या है, दूसरे वाले पोल की उस पॉइंट से डिस्टेंस, यानी 80 माइनस के y। तो ये हो जाएगा मेरा 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट है हमारी 20√3 मीटर। जो पॉइंट था ग्राउंड पे उसकी एक पोल से डिस्टेंस है 60, दूसरे से है 20। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मुझे इस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करनी है। चलिए फिर मिलेंगे, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।